हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ सुंदर नर्सरी जो कि दिल्ली के हुमायूं टॉम्स के पास है। अर्लियर हमें इस प्लेस के बारे में पता ही नहीं था। हमें जब पता चला तो पता चला कि ये एक पार्क है, यहाँ पॉन्ड्स हैं, फाउंटेन्स और बहुत ग्रीनरी है, तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो आए तो हम घूमने थे, लेकिन टू माई सरप्राइज़ मुझे इवनिंग तक ये पता चला कि यहाँ बहुत सुंदर फलों और सब्जियों की नर्सरी है। तो सोचा खुद की सैर के साथ साथ आपको भी सैर कराऊँ और कुछ इन फसलों के, इन पौधों के बारे में हम लोग जाने। तो आइए चलते हैं इनकी सैर करने। ये है सुंदर नर्सरी, दिल्ली हेरिटेज पार्क, और यहाँ हम रबी, जैद और खरीफ की फसलों के बारे में जान रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ फसलों के, कुछ पौधों के बारे में बताया, और आइए चलते हैं कुछ और पौधों के बारे में जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये पपीते का पौधा, और यहाँ ये छोटे छोटे पपीते के फल लगे हुए हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी देम। यस, इट इज मिंट पुदीना। ये है अजवाइन का पौधा और कैरम सीड्स। दीज आर बाकला बीन्स, बाकला फली। और ये देखिए कैरेट का पौधा, गाजर। इसकी पत्तियां कितनी छोटी छोटी हैं। और ये हैं रॉकेट सैलेड लीफ, सलाद के पत्ते। आपने देखे होंगे बड़े बड़े से, जो साइड में डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, और इन्हें खाना भी बहुत फायदेमंद होता है। और ये देखिए पालक को उगता हुआ, और घरों में जो हम लेते हैं ना, वो पूरी तरह से फुली ग्रोन, कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और ये अभी ग्रो हो रही है। और ये देखिए फेनुग्रीक, मेथी के पत्ते। और ये देखे रहे हैं हम मटर यानी पीस, इसकी फलियां। और ये देखो एक मटर की फली उग भी रही है, एक और भी देखो ये छोटी सी। ये दिस वन, ये है लिंसेट यानी अलसी का बीज। अलसी जानते हैं ना, ये बहुत फायदेमंद होती है सेहत के लिए। छोटे छोटे से भूरे रंग के दाने होते हैं इसके। और ये देखो गेहूं का पौधा, और इसकी ये बाली भी देखो उगती हुई, इसी में से गेहूं के दाने, गेहूं के बीज निकलते हैं। सो ब्यूटीफुल। दिस इज बैसिल और तुलसी। और देखो हम इन पौधों को पहचानने के साथ साथ इनके नेम्स भी पहचान रहे हैं, नेम्स भी जान रहे हैं इंग्लिश में। यूजली हम इनसे अवेयर नहीं होते ना। एंड दिस इज गार्लिक और लहसुन का पौधा। ये बिल्कुल ऐसे घास की तरह लग रहा है। इनमें से बहुत सारे पौधों के बारे में तो मैं भी नहीं जानती थी, और आज मुझे भी इन्हें देखने का मौका मिला। And this is dill, soya की फली। ये सब बहुत न्यूट्रिशियस है। Wow, it's so interesting and beautiful to see it. And here are tomatoes, टमाटर का पौधा। ये देखो यहाँ इसके छोटे छोटे से ये अभी कलियाँ सी बन रही हैं। ये फूल बनेगा और फिर टमाटर का फल। And here are सेम बीन, सेम की फली। ये देखो ये फलियां, ये अभी ग्रो होंगी। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। और देखो यहाँ इसका फूल कितना सुंदर लग रहा है ये उगता हुआ। इट्स सो नाइस टू सी इट, मैनी सच फ्लावर्स, इट्स सो गुड। एंड वाओ, हेयर यू कैन लुक एट ब्रोकली। Let's zoom it. It's such a beauty.
और अब देखिए कैबेज यानी पत्ता गोभी, देखो कैसे इसके पत्ते पत्ते मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यही आपस में फोल्ड होके लेयर्स बन जाती हैं, और कैबेज का फल हमें देखो कैसा दिखाई देता है, और ये इतना फैला हुआ है इस समय, और बाद में बिल्कुल गठा हुआ फल हमें हमारे पास आता है। सो कैसी रही ये सैर, मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर लगा। एक तो मुझे इनके बारे में, बहुत सारे पौधों को तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, और अब मैंने भी इनके बारे में जाना और आपने भी जाना होगा, बहुत सारे नेम्स, इनके स्ट्रक्चर एंड हाउ दे ग्रो। सो इट वॉज सच अ ब्यूटी दैट आई एन्जॉयड इट वेरी मच। सो होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इसी तरह की सैर, इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।